बड़ी खबर आपको दे दें, एनडीए के दलित सांसदों की कल हुई बैठक में मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठे हैं। सांसदों ने कहा है कि एससी एसटी एक्ट के खिलाफ फैसला देने वाले जज को एनजीटी का चेयरमैन बनाने से गलत संदेश जाएगा। दलित सांसदों की बैठक में सरकार के फैसले पर सवाल उठे हैं। दलित सांसदों के साथ जो बैठक हुई उसमें मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। ये कहा गया कि एससी एसटी एक्ट के खिलाफ फैसला देने वाले जज को अगर एनजीटी का चेयरमैन बनाया जाएगा तो इससे देश में गलत संदेश जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या रुख आता है। ये भी चिंता व्यक्त किया गया उसमें कि काफी सदस्यों ने इस मामला को उठाया कि साहब जिस जज ने जो है ये जजमेंट दिया दोनों के खिलाफ में दलित एक्ट के संबंध में और उसके बाद यूजीसी के संबंध में, उनको क्या कहते हैं कि ट्रिब्यूनल का जो है चेयरमैन क्या कहते हैं कि बना दिया गया है, तो उस पर भी लोगों ने चिंता व्यक्त किया कि इससे गलत संदेश क्या कहते हैं कि जो है सो जाता है। और सारे के सारे मुद्दे थे कि जो रिजर्वेशन है तो जिसमें मानते हैं कि आउटसोर्सिंग जो है जो हो रहा है वो आउटसोर्सिंग को क्या कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं रामविलास पासवान और ये कह रहे हैं कि जिस जज ने ये फैसला दिया था उस जज को एनजीटी का चेयरमैन बना दिया गया जिससे जाहिर तौर पर गलत संदेश जाएगा। और वैसे भी मानदर रामविलास पासवान का ये जो बयान है ये साफ तौर पर दिखाता है कि चुनावों की कितनी चिंता है। बिल्कुल, जज को एनजीटी का चेयरमैन अगर बनाया गया तो इससे गलत संदेश जाएगा। जिस जज ने एससी एसटी एक्ट के खिलाफ फैसला दिया था उस जज को एनजीटी का चेयरमैन बनाने से देश में गलत संदेश जा सकता है, ये कहना दलित सांसदों का। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।